अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मॉड्यूल नंबर 187 है CS101 का, और आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है वर्ड प्रोसेसिंग, MS वर्ड। ठीक है, तो आज जो हम लोग ने इसमें सारे मॉड्यूल्स में करना है वो टोटली हम कोशिश करेंगे कि वर्ड जो है वो इसमें पूरा कंप्लीट कर लें, क्योंकि मैंने अक्सर यूट्यूब चैनल देखे हैं उसके ऊपर 3 3 4 4 वीडियोज़ बनी हुई हैं, जबकि इसमें से जो पेपर आता है वो आप इसको ना भी देख के जाएँ या फिर एक ही ट्रिक है उसको यूज़ करें तो आपका पेपर सॉल्व हो जाता है। लेकिन फिर भी चूँकि यहाँ पर जो वीडियो बनाने का मकसद है वो यही है कि हर एक चैप्टर को जो है वो समझाना या फिर उसके जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, तो फिर उसके लिए ये वीडियो मैं बनाऊंगी एंड तक पूरी। बट बात यह है कि अगर आप नहीं देखना चाहते पूरी तो मैं शुरू में उसकी जो टिप है वो कंप्लीट कर दूंगी। तो अभी हम शुरू करते हैं। तो MS वर्ड में वो लिखता क्या है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर द वर्ड प्रोसेसर, के जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसको हम लोग खुद डाउनलोड करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर ये नहीं है। अपने काम के लिए जो हम लोग खुद एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं, सॉफ्टवेयर हम लोग डाउनलोड करते हैं, उनको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। और उसके बाद अगर दी सॉफ्टवेयर्स हेल्प इंडिविजुअल्स एंड द कंपनीज प्रिपेयर डिजिटल डॉक्यूमेंट्स इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, जैसे कि अभी हम लोग असाइनमेंट्स बनाते हैं तो हमारे पास प्रॉपर फॉर्मेट होता है, हम लोग वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, हम लोग MS वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, पेंट यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये सब क्या करते हैं कि प्रॉपर फॉर्मेट हमें बना के देते हैं। ठीक है, वन ऑफ द फेमस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज़ MS वर्ड, विच इज़ इंक्लूड इन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ये हमारे पास सॉफ्टवेयर जो है वो अवेलेबल होता है। तो वो अब यहाँ पर इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया ये MS वर्ड है 2017 वर्जन है ये, ठीक है, 17 सॉरी कह रही हूँ, 2007 वर्जन है ये, तो ये बहुत पुराना है। अभी हमारे पास ये नहीं है और मेरे पास भी फिलहाल ये नहीं है, तो हम इसलिए जो है इसको पिक्चर से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो होता क्या था कि जब पहले हमारा PC था तो उसमें यहाँ पर एक स्टार्ट का बटन हुआ करता था बॉटम में, ठीक है, उसको स्टार्ट को जब हम क्लिक करते थे तो ये सारा इस तरह का मेन्यू आता था, और उसमें एक था प्रोग्राम, उस प्रोग्राम पे हम लोग क्लिक करते थे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हम सर्च करते थे और फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड हम लोग निकालते थे। तो जबकि यहाँ पे अब हमारे पास एक स्टार्ट का ये बटन है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और सब कुछ हमें जो है ना वो बाहर ही पड़ा हुआ नज़र आ जाता है जो रिसेंटली हमने यूज़ किए होते हैं, जैसे सब कुछ ऊपर नज़र आ जाता है जो हमने रिसेंटली यूज़ किए होते हैं, जैसे मेरा ये नज़र आ रहा है, यहाँ से हम निकाल लेते थे। तो आगे यहाँ पर एक चीज़ बता रहा है दी ऑफिस बटन, पहले हम MS वर्ड ओपन कर लेते हैं। तो ऑफिस बटन का काम क्या था, पहले हम उसका इंट्रो देख लेते हैं कि उसने बताया हुआ है कि हमारे पास एक ऑफिस बटन था और इसमें यह सब कुछ था। तो अब जो हमारा न्यू वर्जन आ गया उसके अंदर हमारे पास फाइल का ऑप्शन है, ठीक है, हमारे पास ऑफिस बटन नहीं है, वो अब हमारा फाइल के साथ कन्वर्ट हो गया, लेकिन काम दोनों का अभी भी एक ही है। तो ये इसको ऑफिस बटन कहते हैं, पहले इसका ये आइकन ऐसा था। उसके बाद वो क्या कहता है कि इसके अंदर क्या था कि आप लोग रीसेंट डॉक्यूमेंट्स उसके मेन्यू बार देख सकते थे और उसके अंदर उसका पैन भी देख सकते थे, ठीक है, अभी भी ये सब कुछ ऐसा ही है, मतलब ऑफिस बटन मेन्यू भी हमारे पास है और ये सब कुछ भी। अगर आप इधर फाइल पे क्लिक करें होम पे तो ये हमारे पास मेन्यू बार है हमारा, और यहाँ पर अगर हमने कोई रिसेंटली फोल्डर यूज़ किया होता है तो वो यहाँ पर शो होता है, जो कि मैंने अभी नहीं किया हुआ। तो वापस आते हैं हम, तो आगे ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ रहा है रिबन इज़ डिवाइडेड इंटू टैब्स ग्रुप्स और कमांड। अब रिबन होता क्या है, तो अभी हम अपने MS वर्ड के अंदर देखते हैं, तो इसमें जो चीज़ देखने वाली है वो मैं आपको दिखाती हूँ। रिबन्स पहले हमारे पास एक चीज़ आ रही है टैब्स, दूसरे हमारे पास हैं ग्रुप्स, और तीसरे हमारे पास हैं कमांड्स। तो ये होते क्या हैं, टैब्स जो होते हैं ये, अब आप ऊपर देखें होम इंसर्ट लेआउट, जैसे हम गूगल में ऊपर से टैब चेंज करते हैं ना, सेम वो इसका हिसाब है। अगर आपसे वो पूछे टैब्स हैं तो ये हमारे पास टैब्स के नेम है। जो मैं बता रही थी शुरू में वो ये है कि अगर आपको पेपर में ये सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये तीन कॉन्सेप्ट हैं टैब ग्रुप कमांड और रिबन वाला, सिर्फ इसमें यही याद करने वाला है पूरे जितने भी आगे 10 15 मॉड्यूल है, तो जो करने वाली चीज़ है अगर आपको पेपर में ये नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है, आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपने सिंपली यहाँ पर आना है, क्योंकि वहाँ पर अवेलेबल होता है ना कि आप लोग मैथ टाइप यूज़ कर सकते हैं, आप लोग पेंट भी यूज़ कर सकते हैं, तो MS वर्ड भी वहाँ पर अवेलेबल होता है। आपने इसको आकर ओपन कर लेना है, और ओपन करके आप लोग इसको इस तरह जो आपको फॉर्मेट नज़र आ जाएगा ये तो आ गया। फिर अगर आपको वो पूछ रहा है कि बोल्ड का काम क्या है, उसकी शॉर्ट की क्या है, तो आप इसके ऊपर अगर होवर करेंगे तो उसके नीचे आपको ये नज़र आ जाता है कि बोल्ड है, बोल्ड के लिए शॉर्ट की कंट्रोल और बी को आप यूज़ करते हैं, और मेक योर टेक्स्ट बोल्ड, ये क्या इसकी शॉर्ट की है वो, उसका नाम और उसका जो फंक्शन है यानी वो जो काम करता है वो सारा कुछ इसके नीचे लिखा हुआ आ जाता है। और ये सिर्फ एक के लिए नहीं, हर एक चीज़ के लिए ऐसे ही है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको इसके बारे में इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो ट्रिक है वहाँ पर काम करती है। खैर, हम लोग रिबन्स पे थे, रिबन्स क्या होते हैं, तो ये जो हम लोग चेंज करते हैं ये हमारे सब क्या हैं, टैब्स हैं, और टैब्स के अंदर ये जो हमारा ये जो टैब पूरा बना आ रहा है जिसके अंदर सारे लिखे हुए हैं फंक्शंस वगैरह, यानी ये ग्रुप्स बने हुए हैं, ये देखें आप हमारे ग्रुप्स में क्या आ रहा है, क्लिप बोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ स्टाइल और एडिटिंग है, ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या हैं, ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स के अंदर ये जो सारे बने हुए हैं बोल्ड, इटैलिक,
अंडरलाइन, ये जो सारे फंक्शन है इसके, ये जो बटन्स बने हुए हैं ये इसके कमांड्स हैं, ठीक हो गया। और ये जो कलेक्टिवली हम लोग, ये जो हमारे ग्रुप्स हैं इनको क्या कहेंगे, रिबन। फिर से मैं बता देती हूँ कि ये जो सारे ऊपर हमारे टैब्स हैं, टैब्स के अंदर जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं उनको हम कलेक्टिवली रिबन कहते हैं। और हमारे ये ग्रुप्स बने हुए हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप ये बताएं कि जो होम का टैब है उसके अंदर कितने जो है आपके पास ग्रुप्स हैं, या फिर पूछेगा कि फ्रॉन्ट ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप के अंदर बताएं कितने कमांड्स हैं, तो कमांड्स के नाम लिखे हैं, तो ये आपको कमांड्स के नाम जो है ऐसे लिखे हुए मिल जाएंगे। तो ये आपने बस इतना सा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना था, जो कि हो गया। अब हम चलते हैं अपने वापस, लॉन्चर्स हैं उसके बाद, ये तीन तरह के इसमें बटन होते हैं। तो वो क्या कहता है, हमारे पास तीन तरह के बटन है सिंपल, उसके बाद हमारे पास एक आ रहा है लॉन्चर, और तीसरा हमारे पास आ रहा है ड्रॉप डाउन। तो सिंपल हमारे पास क्या होता है, जैसे भी हम ये बोल्ड को देख रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, मे बी वीडियो में से इतना नज़र ना आए। तो हमारे पास ये जो सिंपल है, ठीक है, ये जो हम होवर कर रहे हैं और ये जो हमें बैकग्राउंड थोड़ा सा ग्रे नज़र आ रहा है, ये सिंपल बटन्स हैं। उसके बाद लॉन्चर्स क्या होते हैं, लॉन्चर ये जो आप देखें क्लिप बोर्ड के आगे, ये एक एरो सा बना हुआ है जो नीचे की तरफ है, इसको क्लिक करेंगे तो ये वाला फॉर्मेट आपके सामने आ जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसको कहते हैं हम लोग लॉन्चर्स। उसके बाद ड्रॉप डाउन का हमें पता है कि ड्रॉप डाउन वो है कि जो डाउन में हमें लिस्ट शो कर देता है, तो ये ड्रॉप डाउन है। ये तीन तरह के इसमें बटन यूज़ होते हैं, बस ये भी हो गया। उसके बाद हमारे पास आ रहा है अगला मॉड्यूल है सेव, रिपीट, कस्टमाइज, क्विक वगैरह। क्विक असेस बार, क्विक असेस बार क्या होता है, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर, अगर यहाँ पे हम आके फाइल में भी हम चीज़ें यहाँ पर सेव कर सकते हैं, लेकिन क्या चीज़ है कि अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर भी सेव कर सकते हैं। ऊपर आपको नज़र आएगा ये अनडू है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे इसका ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें तो आपके पास ये बार आ जाती है, इसका क्विक असेस बार कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है सेव, आप यहाँ से भी सेव कर सकते हैं, कंट्रोल ऐसे भी सेव कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पर कोई एक ऑप्शन जो है वो उसको मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने ड्रॉ टेबल का कर दिया है, तो इसको क्विक असेस बार कहते हैं। उसके बाद अल्टरनेट मेथड है, इसने इसने इधर शॉर्ट कीज दी हुई हैं, अगर आप चाहें तो इसको याद कर लें, नहीं याद करनी तो ये आपको वैसे भी वहाँ पर अवेलेबल है मैथ्स वर्ड के अंदर। उसके बाद आ रहा है होम रिबन, हम लोग होम रिबन क्या होता है, रिबन्स क्या होते हैं वो हम देखा है होम के अंदर। होम रिबन क्या है कि होम के अंदर ये जितने भी ग्रुप्स आ रहे हैं इनको कलेक्टिवली हम क्या कह रहे हैं, इसके रिबन्स हैं, ये रिबन्स हैं इसका। तो आगे हमारे पास अब क्या चीज़ आ रही है, कट पेस्ट, कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट पेस्ट, एक्सेट्रा। तो अभी हम लोग यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं, यहाँ पे मैं लिखती हूँ माई चैनल नेम इज़ जीनियस जेड, ठीक है, ये मैंने एक लाइन लिख दी है। अब उसने कहा है क्या है कि आपने कट करना है, इसमें जो चीज़ें हैं आप लोग वहाँ देख कर आए होंगे, कैसे ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसमें आप पॉइंट्स खुद से लिख सकते हैं, बुक को रट्टा नहीं लगाना। इसमें क्या है कि अगर आपने कोई चीज़ कट करनी है तो पहले हमारा स्टेप क्या है कि हमने ओपन करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। पहले हम लिख देते हैं ओपन MS, सॉरी कैपिटल लिखना है, MS वर्ड ओपन। पहला हमारा स्टेप क्या था, हमने MS वर्ड को ओपन करना है, जो हमने कट करना है उसको आप सिलेक्ट करेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे और आपको यहाँ पर होम में आपको नज़र आ रहा है ऊपर कट, आप इसको कट करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो बताता है कि आपने पेस्ट कैसे करना है, आप जिस लाइन पर जाना उधर जाएँ, और होम में यहाँ पे आपको एक फंक्शनल दिया हुआ है पेस्ट का, तो आप पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पेस्ट वाला। उसके बाद वो एक और ऑप्शन हमें बता रहे, ऑल्टरनेट वे क्या बता रहा है कि आपके पास शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस एक्स की, कंट्रोल प्लस एक्स क्या करता है, इसको कट करता है, ठीक है। और उसके बाद वो कहता है कि अगर आपने इसको पेस्ट करना है तो CTRL लिखा होता है हमारे लैपटॉप पे, आप वो और V को दबाएंगे तो क्या करेगा, पेस्ट कर देगा। और अगर आपने कॉपी करना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल, और कंट्रोल के साथ आपको जो बटन प्रेस करना पड़ता है वो होता है C। तो ये आपके पास शॉर्टकट कीज़ हैं जो हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। तो अभी बस इतना ही था इसके अंदर, इस मॉड्यूल में ये कंप्लीट हो गया है, और आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं। उसके बाद एक और वो मेथड बताना है कि आप ऐसे कर सकते हैं कि इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ही नहीं हुआ, इसको कट कर सकते हैं, कट करके आप किसी भी जगह जाके इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो ये इसका तीसरा मेथड भी जो था वो हमने कर लिया है। उसके बाद इसमें और कुछ भी नहीं है, मैस वर्ड का फॉन्ट ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप क्या है कि ये हमारा ग्रुप बना हुआ है, इस फॉन्ट ग्रुप को हम एक दफ़ा में देख लेते हैं, जीनियस एड लिखा हुआ है तो हम इसका जो है वो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जैसे हम लोग अक्सर पेपर में कौन सा यूज़ करते हैं, टाइम्स न्यू रोमन। उसके बाद हम इसका जो साइज़ है वो भी ज़्यादा कम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, इटैलिक्स भी कर सकते हैं, ये हम इसके ऊपर लाइन भी डाल सकते हैं। और ये जो सब सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट हैं ये कैसे यूज़ करते हैं ये भी हम एक बार देख लेते हैं, कि जैसे एच है, फिर जैसे हमारे पास फार्मूला है वाटर का, एच
उसके बाद हम लोगों ने 2 OEO हमारे पास है, H2O जो है वो वाटर का फार्मूला है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे इसमें से 2 को सिलेक्ट कर लेंगे और सबस्क्रिप्ट आता है वो, तो हमने सबस्क्रिप्ट डाल दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद सबस्क्रिप्ट भी अगर आपने करना है तो 3 की पावर, अगर आपने 3 करना है तो आप 3 को ऐसे करें सिलेक्ट कर लें और सबस्क्रिप्ट को करें और 3 की पावर 3 आपको नज़र आ जाएगा। और बस ये काम जो है इधर कंप्लीट हो गया इसका भी, ये जो इसने यूज़ किया हुआ था इसको हम ख़त्म कर दें। चलें तो अब हम आगे देखते हैं आगे क्या आ रहा है, कि हमारे पास ये कंप्लीट हो गया हमारा रोमन पैराग्राफ आ रहा है। उसके बाद हम लोगों के वो पैराग्राफ के टैग में जो चीज़ दिखा रहा है वो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें करती क्या हैं कि अगर आप इसको कलेक्टिवली लें तो ये बुलेट पॉइंट्स हमें डाल के देते हैं। वो आगे हमें बुक में उसने एक और पॉइंट भी दिखाया गया, बुलेट पॉइंट्स जो हैं वो इस तरह डिज़ाइन भी डाल सकते हैं। उसके बाद ये इसके लाइन में ठीक करता है, अगर आप जिस साइड पर भी उसको क्लिक करना है तो वो आपको उस साइड पर ले जाएगा, और अगर आप इसको नन करें तो आपको कोई और शो भी नहीं करेगा। उसके बाद स्टाइल्स आ जाते हैं, इससे आप लोग कलेक्टिवली इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसमें कलर चेंजेस की भी जो है वो वैरायटी इसमें दस्तयाब है, और बस यही सारा कुछ है। तो इसके अलावा जो हमारे पास अगला आ रहा है वो हमारे पास है फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट और एडिटिंग। फाइंड को जो हम यूज़ कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे ओपन को सिलेक्ट कर रही हूँ मैं, ओपन को मैंने फाइंड किया तो वो हाईलाइट करके उसने बता दिया कि ओपन यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे हम इसके एडवांस सेटिंग नहीं देखेंगे क्योंकि वो बुक में नहीं है। तो हम यहाँ पे अगर रिप्लेस देख रहे हैं तो रिप्लेस में क्या कर रहे हैं कि अगर हम ओपन को सर्च कर रहे हैं, ठीक है, फाइंड के, और हमने ओपन को प्ले रिप्लेस किसके साथ करना है, हम लोग कैपिटल ओपन के साथ करना चाहते हैं। हम रिप्लेस ऑल करेंगे, वो हमें बताएगा कि एक ही रिप्लेसमेंट आपकी बन रही है, ठीक है। तो हम ओके करेंगे तो हमारी जो रिप्लेसमेंट है वो कर देगा, और जो हमारा ओपन है वो हमारा अपर केस में आ जाएगा। और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। इसके अलावा सेलेक्ट और एडिटिंग है, इसमें सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं आप एक दफ़ा में, और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट जो हम कंट्रोल ए करके कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ये भी चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। आगे देखते हैं कि आगे हमारे मॉड्यूल्स में क्या है। ये बुलेट पॉइंट्स हम देख चुके हैं, ये भी हम देख रहे हैं, ये भी हम देख रहे हैं, ये डिज़ाइन जो था वो भी हम देख रहे हैं, फाइंड रिप्लेसमेंट भी हम देख रहे हैं। मैंने पहले बताया कि इसमें देखने वाली कुछ नहीं है। अब हमारे पास अगला आ रहा है इंसर्ट फंक्शनैलिटीज़। इंसर्ट ऊपर हम लोगों के पास जो टैब है वो इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट का रिबन हमने अब देखना है, इसका कलर ब्लैक कर लेते हैं पहले। तो अब जो इंसर्ट है उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग चीज़ें ऐड कर सकते हैं इंसर्ट के अंदर। तो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। कवर पेज है, हम लोग कवर को ही ऐड कर सकते हैं। कवर हमारे पास जो भी अवेलेबल है, उन्होंने हमें डिज़ाइन दिए हैं, हमें जो आपको डिज़ाइन अच्छा लगता है आप वो डिज़ाइन डाल सकते हैं। उसके बाद ब्लैंक पेज है, ब्लैंक पेज का इस तरह कॉन्सेप्ट नहीं नज़र आएगा, आप ये देखें तो मैं ब्लैंक पेज अगर क्लिक कर रही हूँ तो ये हमारे पास पेजेस ऐड होते जा रहे हैं, और कंट्रोल जी से मैं इसको किया है ताकि ये जो है ना पहले ही वाली शेप में वापस आ जाए। उसके बाद आता है पेज ब्रेक, ये पेज इसको ब्रेक करता है। उसके बाद हमारे पास आ रही है एक चीज़ टेबल, इससे हम लोग टेबल को ऐड कर सकते हैं। तो ये लिमिटेड है, अगर आप ज़्यादा टेबल ऐड करना चाहते हैं तो इंसर्ट टेबल के लिए वो आपसे पूछेगा आपको कितने कॉलम्स चाहिए। मैं कहती हूँ मुझे 20 कॉलम्स दे दें और मुझे उसके अंदर 15 रोज़ चाहिए, तो वो हमें इतने का कॉलम बनाकर दे देगा। फिर आगे चलते हैं, हमारे पास क्या आ रही है, पिक्चर हम ऐड कर सकते हैं, ऑनलाइन हम कोई पिक्चर डाल सकते हैं, और शेप्स भी हम डाल सकते हैं। ये शेप्स हैं, तो इधर एक चीज़ जो बताने वाली है, क्योंकि हम MS वर्ड सीख रहे हैं तो इसकी थोड़ी सी शॉर्टकट चीज़ें आनी चाहिए। जैसे हम अभी यहाँ पे एक शेप डालेंगे, पुट करती हूँ मैं यहाँ पे स्माइल, ठीक है, यहाँ पे मैं स्माइल को ऐड कर रही हूँ। तो अब आप देखें तो ये स्माइल की शेप चेंज हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी सारी जो इसकी ओरिएंटेशन है सारी ठीक रहे, तो आप इसके लिए शिफ्ट का बटन यूज़ करें और इसको जहाँ मर्जी जितना बड़ा करें, इसका जो साइज़ है वो हर तरफ से इक्वल होगा। तो बस ये यहाँ पे देखना था, ये बुक में लिखा नहीं हुआ, ये मैंने वैसे ही बता दिया। आइकन्स, 3D मॉडल्स वगैरह ये इतना बुक में नहीं है, उसके बाद ये सारी चीज़ें रहने देते हैं। स्मार्ट आर्ट है बुक में, ये देख लेते हैं एक बार, कि अगर आप बुक्स पे अक्सर देखें तो हमें लिखा हुआ आता है हमारे पास ये टेबल्स वगैरह होते हैं, लिस्ट होती हैं, प्रोसेसेस हमारे पास होते हैं। तो यहाँ पर साइकिल्स भी बने हुए हैं और लिस्ट भी बनी हुई है, हम लिस्ट को ही एक डाल के देख लेते हैं। ओके, तो उसने हमें लिस्ट बना दी है, ठीक है। ये इसके ऊपर हम क्लिक करें तो भी हम इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं, जबकि उसने हमें बुक में बताया हुआ है जो मेथड, वो कहता है कि यहाँ पर साइड पे आपको एक एरो नज़र आएगा, आप इसको क्लिक करें तो यहाँ पे आपको लिखने के लिए एक अलग से जो है ना वो मेथड दे देगा, जीनियस, इधर मैं लिख देती हूँ जेड। तो ये सब कुछ जो है वो चेंज हो जाता है, तो ये भी हम काम इसके साथ कर सकते हैं। उसके अलावा इंसर्ट में जो चीज़ देखने वाली है वो लिंक है, आप लिंक ऐड कर सकते हैं। तो अब हम लिंक ऐड करके देख लेते हैं पहले कि लिंक कैसे हम ऐड कर सकते हैं। तो जैसे अब ये जीनियस जेड है, इसको मैं इसके सारी मार्किंग वगैरह ख़त्म करती हूँ। तो क्या है कि आप जीनियस जेड के साथ अगर आपने कोई लिंक करना है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास जो भी फाइल है, अगर आप बैंडीकैम में कर रही हूँ तो मैंने ओके कर दिया। आप इसका देखें, इसका कलर चेंज हो गया, लेकिन इसके ऊपर होवर करने से क्या हो रहा है कि हमें शो नहीं हो रहा,
जैसे हम लोग गूगल पे कोई लिंक करते हैं तो उसके लिए हमें कंट्रोल को दबा के रखना है और आप उसके ऊपर जाएँ तो आपको अब ये शो होगा। तो अब इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद बुक मार्क है, अगर हम कोई बुक पढ़ रहे हैं ठीक है, हम उसके अंदर बुक मार्क लगा देते हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई बुक मार्क लगा देती हूँ जेड के नाम से ठीक है, इसको मैंने बुक मार्क कर दिया ऐड। जब भी मैं अगली बार आऊँगी, अगर मैंने यहाँ से पढ़ना शुरू करना है, मैं बुक मार्क में आऊँगी, मैं उसको कहूँगी कि जेड है, गो टू उधर तक लेके जाओ मुझे, तो वो कहेगा कि यहाँ से शुरू हो रहा है, आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद आता है क्रॉस रेफरेंस, ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। अगर हम डालते हैं कमेंट्स, कमेंट्स हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं ठीक है। जैसे कि हमारी असाइनमेंट आती है तो हमें कमेंट्स से वो ऐड करके देते हैं, तो वो यहाँ से ऐड करते हैं। तो आगे वो इसने कुछ कॉन्सेप्ट कमेंट्स के और भी बताए हुए हैं कि अगर आप कमेंट्स ऐड करते हैं तो प्रीवियस ये सब कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है वो यूज़ होते हैं नहीं, तो टाइम ज़ाया होगा हमारा। तो आगे वो आ रहा है हेडर फुटर पेज नंबर, ये सब कुछ। हेडर जो है, हेडर में क्या है कि हमें डिज़ाइन उसने फिर दिए हुए हैं और आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का जो हेडर है वो डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पसंद है तो मैंने डाल लिया, इसको मैं थोड़ा जूम आउट करती हूँ ताकि नज़र आए। ऊपर हमने क्या डाल दिया है, हेडर चैनल नेम इज जीनियस दैट सब कुछ नज़र आ रहा है। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ जो इंसर्ट में आ रही है, वो हमारे पास फुटर है कि आप नीचे वाले साइड पे भी इसका कुछ डाल सकते हैं, तो मैंने ये डाल दिया, ये हमारा फुटर है। उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ है पेज नंबर, अगर आपने पेज नंबर डालना है तो टॉप ऑफ द पेज जो है, बॉटम ऑफ द पेज है, तो उसके पास वो डिज़ाइंस पड़े हैं, आपने जौन सा भी डालना है वो आप इसमें पुट कर सकते हैं। तो बस इसका सिर्फ इतना ही था। तो आगे जो अब हम अपने चलते हैं उसके ऊपर, डोंट सेव, इंसर्ट पे क्या रह गया, हमारे पास इक्वेशंस है, हम इक्वेशंस डाल सकते हैं, सिंबल्स को भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे हम पेपर में अक्सर ये यूज़ करते हैं। टेक्स्ट बॉक्सेस हमारे पास हैं कि आप टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर सकते हैं, ये जैसे उसने हमें अलग अलग वैराइटीज़ दी हुई हैं कि आप साइड पे करके कोई टेक्स्ट ऐड कर दें, तो ऐसे भी हम सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है डिज़ाइन, अगर हम यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ ऐड कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ भी लिखती जा रही हूँ, तो वो यहाँ पर इसके कहने का मकसद ये है कि ये आपको जो है ना वो डिज़ाइंस वगैरह देगा, उसका टाइटल, उसका कलर वगैरह, जैसा हम पीछे पढ़ के आए हैं तो वो सब कुछ जो है हमें चेंज करके देता रहेगा। तो उसके लिए भी हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको हम अगर कंट्रोल ले ये देखें तो इसका सारा डिज़ाइन वगैरह जो है वो चेंज कर रहा है। कलर में आएंगे तो इसका कलर चेंज कर देगा, लेकिन इसको बिल्कुल ना छेड़ें क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हमारी ख़राब कर देगा, फिर हम जो सेटिंग चाहते हैं वो नहीं होगा। इधर आके हम फॉन्ट वगैरह भी हम अपना चेंज कर सकते हैं। पैराग्राफ के अंदर अगर आपको स्पेसिंग चाहिए, कॉम्पैक्ट, ये सब कुछ देखें। अगर आप इसके ऊपर मैं होवर करती जा रही हूँ तो वो हमें बता रहा है कैसा शो होगा ठीक है। उसके बाद इफेक्ट्स आ रहे हैं, इफेक्ट्स जो है वो डालने की ज़रूरत ही नहीं है, सेट एज डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। उसके बाद एक चीज़ आती है वाटर मार्क, जैसे हम कभी नोट्स खोलते हैं तो नोट्स के पीछे लिखा होता है ना कि अगर इसकी अकेडमी है तो अब हमें कुछ लिखा नज़र आ रहा है, जैसे मॉज फाइल्स हम निकालते हैं तो हमें वो नज़र आ रहा होता है पीछे लिखा हुआ, तो वो इस तरह नज़र आता है हमें लिखा हुआ ठीक है। और उसके बाद चीज़ आ रही है पेज का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग पेज के साइड्स पे बॉर्डर लगा सकते हैं, जैसा बॉर्डर हमें पसंद हो, जैसे अब ये लग गया है, मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखाती हूँ, पहले ये नहीं था। तो ये सारे काम भी हम इसके साथ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। लेआउट पता नहीं वहाँ पर वो दिखाएगा भी कि नहीं, रेफरेंसेस हैं। उसके बाद ऐड टेक्स्ट वगैरह हम लोग यहाँ पर ऐड टेक्स्ट, टेबल कंटेंट है। टेबल कंटेंट में क्या आता है कि जो हमारा फर्स्ट पेज बुक का शो होता है, जहाँ पे उसने सारे कॉन्टेक्स्ट लिखा होता है ना कि हम लोग बुक में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, वो सब कुछ जो है वो इधर से हम डालते हैं। अपडेट टेबल्स, हम टेबल अपडेट कर सकते हैं, इंसर्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग डाल सकते हैं। ये सारा इतना यूज़ नहीं होता था इसलिए इसको अभी रहने दें। उसके बाद हम आते हैं मेलिंग, तो हम बुक में शायद नहीं है, तो अब हम रिव्यू देखते हैं स्पेलिंग और ग्रामर। तो अगर आप देखें, अगर हम मैं यहाँ पर लिखती हूँ माए चैनल नेम इज़, हम लोग फिर वही लाइन दोबारा लिख देते हैं, मैं यहाँ पे जीनियस के स्पेलिंग गलत लिख देती हूँ, और अगर मैं लिख देती हूँ सेट ठीक है, इसका मैं होम में जाके पहले साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा कर लूँ। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर वो हमें बता रहा है कि जो मेरा यहाँ पे जीनियस के स्पेलिंग है वो गलत है ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ, राइट क्लिक करती हूँ, राइट क्लिक तो शायद पेपर में अवेलेबल नहीं होता, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं और हम स्पेलिंग और ग्रामर पे आते हैं, तो वो मुझे बता रहा है कि आपके स्पेलिंग जो है वो गलत है ठीक है। वो नंबर और भी स्पेलिंग बता रहे हैं, लेकिन बात ये कि हम लोग यहाँ जीनियस लिखना चाहते हैं, हमने स्पेलिंग कैसे लिखे हुए, तो ये भी हमें बता देता है कि आपके स्पेलिंग जो है वो गलत है। अगर मैं यहाँ पर जीनियस के स्पेलिंग ठीक करके लिख देती हूँ, और अगर मैं इस पर फिर से क्लिक करती हूँ और मैं इसको कहती हूँ कि मुझे इसका मतलब बताओ, तो वहाँ हमें मतलब भी निकाल के दे देता है, जीनियस, ब्रेन, इंटेलिजेंट वगैरह वगैरह। तो पेज काउंट, वर्ड काउंट भी हमें करके देता है, ये हमें नीचे भी शो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग वर्ड जो है वो काउंट कर सकते हैं।
उसके अलावा आगे चलते हैं तो यहाँ से हम इससे सुन, उसके बाद यहाँ पर करने वाली प्रीवियस जो नेक्स्ट को हम देख सकते हैं, और इसमें करने वाला कुछ नहीं। अब आगे हमारा आ रहा है व्यू ऑप्शन, व्यू हमारे होम बटन में क्या आ रहा है ये देखते हैं। तो हम लोग रीड मोड पे इसको ऐसे करके देख सकते हैं, ठीक है, इसका चेंज हो जाता है। एडिट मोड में, प्रिंट मोड में ये, और वेब लेआउट में फिर ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद रूलर्स वगैरह है, साइड टू साइड है, वर्टिकल है। साइड टू साइड अगर आप देखें, अगर मैंने यहाँ पर पेज, मेरे पास एक और ऐड हो, यहाँ पर मैं इंसर्ट करती हूँ एक ब्लैंक पेज, ठीक है, तो ये ऐसे हमें शो हो जाएगा रिव्यू में, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास व्यू में अगली क्या चीज़ आ रही है, थंबनेल वगैरह, ये हम लोग इधर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। वर्टिकली इसको रहने दो। वन पेज है, अगर वन पेज है तो ऐसे शो होगा, मल्टीपल पेजेस जो हमने पहले देखा है वैसे ही शो हो जाएगा। इसमें हम लोग न्यू विंडो एक साथ खोल सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि नीचे एक खुल गई है, तो हम इसको भी बंद कर देते हैं। उसके बाद अरेंज या स्प्लिट हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हम लोग कोई असाइनमेंट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना, तो फिर हम उसके लिए स्प्लिट को यूज़ कर सकते हैं। इसमें अरेंज आर कर सकते हैं, स्विच विंडोज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऊपर से कोई देख रहे हैं चीज़, तो आप उसको यहाँ से देखें असाइनमेंट को, और यहाँ पर आकर अगर आप कोई चीज़ कॉपी वगैरह कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। तो हर ये वो सारी चीज़ें हैं, उसके बाद इसमें करने वाली कुछ नहीं है। अरेंज ऑल कर सकते हैं, इसमें न्यू विंडो आ जाती है, और इसमें कुछ भी नहीं है करने वाला। आई थिंक ये सारा कंप्लीट हो गया होगा। एक बार देख लेते हैं हम बुक पे, टेबल्स हम डाल रहे हैं, ये सारा कुछ हो गया। आई थिंक सारा कुछ ही कंप्लीट हो गया। तो आगे जो हमारा पॉइंट पावर पॉइंट वाला है, वो हम लोग आगे जाके देखेंगे। अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।